तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आरएसएस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आपके ट्रेजरी खाली है, सब कुछ खाली है। हम यही कहते हैं कि लोगों को कहते हैं कि बदलाव लाना एक ज़रूरी है, कांग्रेस पार्टी को लाओ। कांग्रेस पार्टी ही आपकी पार्टी है जो आपको सारे वादे जो आपके हैं वो मुकम्मल पूरे तौर हो जाएंगे। जब बोलते हैं जब सरकार आती है ना फिर वो किसी की नहीं सुनते भाई साहब। लोग कहते हैं हमें पुराने दिन वापस लेने चाहिए, जो कांग्रेस के दिन थे हमें वही अच्छे थे। और जैसे ही मैंने आपको बोला कि कांग्रेस की सरकार आएगी, 6 महीने नहीं लगेंगे, 6 दिन के अंदर अंदर हम सारा रिस्टोर करेंगे, यह आपको आपसे मैं वादा करता हूँ। कांग्रेस में पहले ही दरवाजे खुले हैं, हर टाइम हर वक्त, कभी भी कांग्रेस ने हर टाइम लोगों का सुना है और उसी पे बात की है। और लोग जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, लोगों से हम राय पूछेंगे, जैसे लोग कहेंगे हम उन्हीं के कहने पे हम पूरे जो वादे होंगे वो पूरे करेंगे। ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, ये नहीं बोलना कि मैंने नहीं बोला। हो ही नहीं सकता है, कांग्रेस झूठे वादे करते नहीं है। आप ये देखो होगा, कर्नाटक भी देखा होगा, हिमाचल भी देखा होगा, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार बनी, आपको भी पता। आप ये बात क्यों नहीं वहाँ से कहते हो? आपको पता नहीं है कि जहाँ कर्नाटक में हमारी सरकार बनी 500 रुपये का सिलेंडर नहीं मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए 3,000 नहीं मिलते हैं, तो राशन वहाँ पर नहीं मिला। तो जम्मू कश्मीर में ज़्यादा ज़रूरत है, तो जम्मू कश्मीर में ज़रूर हम देंगे। आप लोगों को भी ये पता है कहाँ क्या हो गया इस कश्मीर को। आप देखिए, पहले मैं लूँगी राशन कार्ड जिस पर हमारे सबर जिंदगी निर्भर है, वो है चावल। चावल गांठों में गायब है, अगर कभी कभार आता भी है, 25 रुपये किलो BPL राशन कार्ड में देते हैं, वो हो गया 550 किलो, जो कि इस BPL में फ्री में मिलता है। दूसरी बात है, आटा गायब है, खांड गायब है, चावल भी गायब है। दूसरी बात यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ गई, पढ़े लिखे बच्चे इतने हैं, गर्ल्स एज वेल एज बॉयज, कि वो खुदकशी करने पर आमादा हो गए, क्योंकि कहीं रोज़गार नहीं मिलता है, परेशान वो भी है, क्या करे, करे तो क्या करे, इतना पैसा लगा पाने।